गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू शिवरावा चैन ऑफ लाइफ। एंड इनफैक्ट मॉर्निंग बोला है, इवनिंग बोला पता नहीं, बट इट इज़ इवनिंग। एंड टुडे आफ्टर अराउंड 5 डेज, करीब 5 दिन के बाद आज ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। ऑल्दो आपको ब्लॉगिंग मेरे वीडियोज़ डेली आ रहे होंगे, क्योंकि वो पहले से एडवांस में बने हुए रहते थे। तो बट आज मैं करीब 5 दिन बात कर रहा हूँ। नाउ आई एम मोर लेस रिकवर्ड, थोड़ा सा जो चोट लगी थी वो अभी रिकवर हो गई। तो आई थॉट लेट मी मेक ए व्लॉग, सी इफ यू कैन, बट आई बिलीव आई कैन। लेट्स सी, आज का जो व्लॉग है हम डेडिकेट कर रहे हैं एक और खाने वाले व्लॉग, मतलब खाने का एक और डिश व्लॉग हम बना रहे हैं। और हम ये फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाले हैं। अभी इससे पहले हमने पनीर वाला निकाला था, और अभी मैं देखूंगा कि मोर लेस एक दो दिन कुछ इस तरीके के ही व्लॉग्स हम निकाले। आज का जो व्लॉग है वो होने वाला है कीमा रोल। कीमा रोल हम लोग बनाने वाले हैं। एंड कीमा हमने मंगाया, कीमा बनाना पड़ेगा। कीमा रोल कैसे बनता है, हमने अभी तक अंडा रोल, पनीर रोल वगैरह बनाया, दोबारा जब बनाएंगे तब आपको दिखाएंगे, लेकिन कीमा रोल कैसे बनेगा वो आपको दिखा दे। है बहुत सिंपल, घर पे आप बना सकते हो, छोटा सा इन्वेस्टमेंट और बढ़िया काम। पहले यहाँ पे लाइट जला लेते हैं ताकि रोशनी आए। तो यहाँ पे प्याज कट रहा है, ऑलरेडी कट के डाल चुकी थी ना, ऊपर से ये इसमें हरी मिर्च डाल दी तूने, ये हरी मिर्च भी डाल दी है। और यहाँ सामने अपना जो है टमाटर बन रहे, और कुछ डालने वाली इसमें नहीं, तो मसाले तो डालने नहीं देते। नहीं, ज़्यादा मसाले क्यों डालने, उतने ज़्यादा मसाले नहीं रखते। और दूसरा हम आपको दिखाते हैं कि हमने मंगाया है कीमा, अभी कैसे मंगाया आपको वो दिखाते खोल के। कीना तू खोलेगी या मैं खोलता हूँ? हम वही डिसाइड कर रहे थे, रोटी वाला बनाए कीमा रोल या पराठे वाला कीमा रोल। सो देखते। और मेयोनीज व्योनीज है अपने पास? नहीं। ओहो, मेयोनीज मंगानी पड़ेगी। तो मेयोनीज मैंने मंगा ली है, एक तंदूरी और एक वेज, बिकॉज मेयोनीज लगाना बहुत ज़रूरी है। और कैसे होगा वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल इसमें आप अपने स्वाद अनुसार मसाला डाल सकते हैं, हमने सादा मसाला ही डाला है। और खड़े मसाले जो हैं वो रोल में एक्चुअली नहीं डलता है, ये खाली आपके मसाला वगैरह कुछ बनता है ना, तो उसी में आ जाता है। ये देख सकते हैं आप इस तरीके से मसाला तैयार हो रहा है एकदम पास से। टीना गिरी, फोन को थोड़ा ज़्यादा नीचे मत लेगा, बट मैंने कहा थोड़ा क्लीन पता चलता है करसी लगा के। और ये अभी जो है जिंजर पेस्ट, भूल गई थी, भूल गई थी टिन्नी, लेकिन वो भी डाला है। कौन सा वाला डाला, इधर दिखा दो। मदर्स का। सो ये हमने मदर्स का जिंजर पेस्ट गार्लिक, इससे और स्वाद आ जाता है। तो मसाले पेस्ट वगैरह जिस हिसाब से आपको डालने हैं आप डाल सकते हो, स्वाद अनुसार कैसे करना है क्या करना है। सो ये हम पॉलीथीन हमारे काम आ जाती है, और ये आजकल की ऐसी पॉलीथीन आ रही है जो नेचर में घुल जाती है ना, वही चीज़ में बन पा रही, तो नुकसानदेह उतना नहीं है। तो स्विगी वगैरह आज की डेट में ये लोग यूज़ कर रहे हैं इसको। ये तो हमने, ये है कीमा, आप देख सकते हो, ये हमने कीमा मंगाया, चिकन कीमा और रियल गुड का है। एंड इसको अब हम बनाएंगे, ऑलरेडी कच्चा है। और ये हमारे हीरो के लिए है, हमारा रैम्बो के लिए, तो हम खाएंगे तो वो कैसे नहीं खाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसको हम काट लेते हैं फटाफट, इसको तो बॉईल करना पड़ेगा, बाद में करेंगे बॉईल। मसाला भून लेते हैं। चलो, तो एक बार मसाला भुन जाए उसके बाद फिर हम कीमा को निकालेंगे बनाने के लिए। तब तक के लिए लेते हैं थोड़ी देर का ब्रेक। और फिलहाल ये भी मंगा लिया हमने लिमका, साथ के साथ खाने के टाइम पे इस फ्रिज में रख देते हैं इसको, है ना, थोड़ा सा ये लो। अरे हीरो अभी सो रहा है, ये दिन भर सोता रहता है और रात को पूरा अपनी रखवाली करता है, ये तो मानना पड़ेगा डॉग्स का। रात भर उठा रहेगा, इधर उधर घूमता रहेगा और दिन भर सोता रहेगा। देखिए स्विगी की क्या सर्विस है, तुरंत से तुरंत आ गया, फटाफट, वेरी फास्ट। और ये भाई को हमारे सुकून की आ गई खुशबू, वो भी उठ के आ गया। ये है कीमा, वॉश कर लेते थोड़ा सा, मैं कर देता हूँ। सो ये है कीमा, इसको हम करते वॉश, आधे से हो जाएगा मेरे ख्याल में, बहुत है। सो ये देखिए, ये इसमें कीमा डाल दिया, मसाला मुझे लग रहा है थोड़ा कम हो गया है, बट आई थिंक डाल दे इसको भी। हाँ ये लो। सो ये
ज़्यादा इसको ज़्यादा कुछ करना नहीं, और ये फ्रेश और इसमें हम डाल रहे हैं। तो हमने क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा मंगाई है, आप क्वांटिटी अपने हिसाब से मंगा सकते हैं, कितना खाना है कितना नहीं खाना है। लाइट बंद कर दी, तो उस हिसाब से आप क्वांटिटी अपनी देख सकते हैं। तो मसाला जो है हमारा, ये भी इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जब पनीर का भी बनता है मसाला, ऑलमोस्ट ऐसे ही बनता है। और जो लोग नॉनवेज नहीं खाते, आई एम सो सॉरी फॉर देम, उनके लिए मैंने कश्मीरी पनीर बनाया था, उन्होंने अगर देखा होगा तो आप यहाँ से चाहे तो वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, आप अगली वीडियो देखिएगा। लेकिन ये फ़िलहाल हमने जो नॉनवेज के शौकीन हैं उनके लिए आज हमने कीमा पुलाव कह रहा हूँ, कीमा रोटी भी बोल सकते हैं इसको, बट ये रोल टाइप का इसको हम बना देंगे। ऑलमोस्ट उस हिसाब से ये तैयार हो गया। मसाला पता नहीं, मेरे को लग रहा है शायद थोड़ा कम हुआ है, आटी नहीं। तो अभी इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं, थोड़ी देर में पकता है। रैम्बो ये देखो तुम्हारे लिए भी हम लेके आए, इसको भी हम भराते हैं फटाफट, छूंग लो इसको फटाफट से, है ना, अभी चाटो मत रुको। और ये हमने मंगाई है एक वेज मेयोनीज जो हम रोटी में लगाएंगे या परांठे में। और ये हो गया आपका, ये भी वेज मेयोनीज बट ये तंदूरी है और ये ओरिजिनल है। उससे रैम्बो के लिए भी हमने रख दिया है, तो रैम्बो खा लेगा। और ये देखिए आपका भीना ये बन रहा है, थोड़ी देर में इसको 10-15 मिनट हम इसको ऐसे ही पकने देते हैं। तो अपना 10-15 मिनट नहीं, जब पक जाएगा उसके बाद का आइडिया हमको लेना है। चलिए फिलहाल देखते हैं अपना व्लॉग। सो ये फाइनली बन गया है, एक मिनट हटा कहा मेरे को दिखा, पनीर का जैसा होता है ना। अभी ठीक हो गया, जितना पानी था यहाँ देख सकते हो इसमें से सारा फट गया। तो ये रैम्बो के चावल भी बन गए, उसका चिकन भी रेडी हो गया, हमारा कीमा भी। अब हमको सिर्फ आटा गूंथना है, वो गूंथ चुके हैं, अब हम रोटी बनाएंगे और फिर आपको बताएंगे कि कैसे बनता है कीमा रोल। बहुत सिंपल है, अभी कीमा तो मार्केट से लाना पड़ेगा, आपको खुद तो बना नहीं सकते उसको। पीना पहले टेस्ट कर रही है, इतना गर्म गर्म कौन टेस्ट करेगा, गर्म है बेटा अभी, तुम नहीं कर रहे तो मैं कर लेता हूँ। भी दे रहे, रुक जा थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं कैसा मसाला वसाला हुआ। नमक मिर्ची भी, हाँ देना नमक और मिर्च टेस्ट करके बता, कम है ज्यादा है, ठीक है सॉफ्ट है नॉर्मल है। अब इसका रोल बनाते हैं। तो ये हमारे पराठे बन रहे हैं जिसमें हम रोल बनाएंगे ऑलरेडी, तो पराठों के साथ ही एक्चुअली रोल बनता है ना टीनी, और तो कुछ होता नहीं। नहीं, और ये आटे के, और ये आटे के मैदा नहीं है स्पेसिफिकली, और जो हम मार्केट से मंगा के खाते हैं वो मैदा हो जाता है। तो ये घर पे अगर बनाया तो आटे से खाओ तो फिर मैदा ज्यादा नहीं खाया जाता है। तो फिलहाल हमारे ये रोल बन जाएं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि पैकिंग कैसे की जाती है। ये अब हम पैकिंग कर रहे हैं, रोल बना रहे हैं। तो ये हमने मेयोनीज खोल दिए, ये दोनों मेयोनीज को हम लगाएंगे। ये हमारी रोटी यहाँ पे रेडी होगी और ये हमारा मसाला रेडी है, और हमने प्याज भी रखा है। अगर आपको प्याज के साथ में डालना है, प्याज डालना है थोड़ा बहुत, तो हम प्याज भी डाल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पैकिंग करके बताता हूँ एक रोल की। सो दोनों का एक दिखाते हैं, एक तंदूरी का बनाते हैं, एक नॉन तंदूरी का बनाते हैं। तो ये हम बहुत वैसे सिंपल ही बनाते हैं। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे हमने मेयोनीज लगा दिया है इस पे रोटी पे, और ये हमारा मसाला है। ये मसाला सिंपल सा इसमें लगाओ ऐसे ऐसे, चीज़ हमने डाला नहीं है, चीज़ वगैरह ये हो गया। और अगर प्याज भी आपको पसंद है खाने के लिए तो ये थोड़ा सा प्याज, आप तुमको डालना है प्याज, प्याज। और इसके बाद इसको ऐसे ऐसे ऐसे, एंड ये बन गया है आपका कीमा रोल तैयार। चलिए अब मैं बनाता हूँ बाकी के, उसके बाद जब खाएंगे तब आपको बताएंगे टेस्ट कैसा हो रहा है। मैंने खा चुका है, क्या टेस्ट हो रहा है? अच्छा है, चलो। आदि भी खा चुका, कैसा बना? बढ़िया, फर्स्ट टाइम बनाया हमने, नहीं दूसरी बार। कीमा पराठा पूछो यार मम्मी को, किन्नी मम्मी पहले नहीं बना चुके ये? बनाया था, रोल नहीं बनाया, वैसे खाया भाई, कीमा पराठा खाए, बेइज्जती मत करो।
तो हमने मंगाई अपने लिए डाइट कोक और टीना पी रही है लिम्का। चलिए खाते हैं और देखते हैं स्वाद कैसा हो रहा है। तो चलिए हम अपना स्वाद करके बताते हैं कैसा है। स्वाद में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, एकदम बढ़िया बना है। और फिलहाल हम लेते हैं इसका एंजॉयमेंट। अगर आपको कभी घर पे बनाना तो आप बनाइएगा। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म। बने रहिए मेरे साथ शिव रावत चैन ऑफ लाइफ के साथ।